हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, हम वो पढ़ेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे आज हम। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। कटौती कितनी दी गई है? 20% की। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है R अपॉन 100 माइनस R इंटू 100। जो ये R है ये रेट, तो हम लिख देंगे इसको 20 अपॉन 100 माइनस R। तो मतलब कि 100 में से 20 माइनस करेंगे 80 इंटू 100। तो 20 से 4 बार जाएगा और 4 से ये 25 बार जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया 25। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न। तो देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3% कम है। तो कितना, ये ध्यान देना कि कम है, अगर कम दिया गया है और अधिक पूछा गया है तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो 33 से 1/3% इतना क्या है? कम है। तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा होगा? अब हमें ज्यादा पूछा गया है तो अब इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 100/3। तो हमारा फॉर्मूला है वही वाला, R अपॉन 100 माइनस R इंटू 100। अब इसमें रख देंगे हम, तो 100/3, 100 माइनस 100/3 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 100/3। तो ये 300 हो जाएगा, तो 200/3। अब ये 3 से 3 कैंसिल और ये 100 से 2 बार कैंसिल और ये यहाँ 100, तो 2 से जाएगा 50 बार टाइम्स। तो इसका आंसर हो गया हमारा 50। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, 10% घटाया गया, पूर्ण मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। तो अब बस ये ध्यान रखना कि घटाया गया है और हमें बढ़ाने को पूछा है, तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, R अपॉन 100 माइनस R इंटू 100। तो 10 अपॉन 100 माइनस R यानी कि 90 और इंटू 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और ये आ जाएगा 100/9। तो इसको लिख देंगे 11 से ही 1/9, तो इतने परसेंट की हमें वृद्धि करनी होगी। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यदि ए की आय बी से 40% कम है, कितना कम है? 40%, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक होगी? तो फॉर्मूला वही लगना है, आर अपॉन 100 माइनस आर इंटू 100। तो 40 अपॉन 100 माइनस 40 हो जाएगा 60 और इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 बार जाएगा और ये 3 बार, तो 200/3, तो ये सही में लिख देंगे हम इसको, तो 3 6 18 2 हो गया 0 3 6 18, तो 66 से ही 2/3%, तो इसका आंसर हो गया ये। तो हम देखेंगे प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। अभी हमने कमी पर देखे, अब हम वृद्धि पर देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई है, इसमें 20% की वृद्धि की गई है, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा, R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100। आप याद रखना, अगर कमी की गई है तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे और वृद्धि की गई है तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे, तो अब ये चीज याद रखना। तो 20 अपॉन, तो इसमें 100 प्लस R होगा तो 120 हो जाएगा और इंटू 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से 6 बार जाएगा, तो 100/3। अब इसको सही में लिख देंगे, नहीं 100/6, ये हो जाएगा 50/3, तो इसको सही में लिखेंगे हम 3 से 1 बार, तो 20 हो गया, 16 से ही 2/3, तो इसका आंसर हो गया ये। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, खाद तेल का दाम 25% बढ़ाया गया है, कितना बढ़ाया गया है? 25%।
इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अगर वृद्धि की गई है और हमें फिर कमी पूछी जाए तो फॉर्मूला वही है तुम्हारा, आर अपॉन हंड्रेड प्लस आर इंटू हंड्रेड, तो हो जाएगा ये 25/125 और इंटू हंड्रेड, तो 25 से 5 बार जाएगा, 5 से 20 बार जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया 20%। तो देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, कितना अधिक है? 30%। तो ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी क्या है? तो फॉर्मूला आपका वही रहेगा, आर अपॉन हंड्रेड प्लस आर इंटू हंड्रेड, तो इसमें हो जाएगा 30/130 × 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 300/13, तो इसको हम सही में लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 23 सही, 1/13%। बस आप ये चीज ध्यान रखना कि वृद्धि की गई है और कमी पूछी है तो फॉर्मूला ये रहेगा, और कमी की गई है वृद्धि करनी है तो फिर फॉर्मूला तुम्हारा 100 - R आ जाएगा, बाकी और कुछ नहीं है। तो चलिए देखते हमारा नेक्स्ट प्रश्न। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किसी चीज की कीमत 60% बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है? 60% बढ़ गई है, तदनुसार उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसके खर्च न बढ़े। तो वृद्धि हुई है, कमी पूछा गया है, फॉर्मूला आपका वही रहेगा, आर अपॉन हंड्रेड प्लस आर इंटू हंड्रेड, तो 60/160 × 100, तो 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से जाएगा 3 टाइम, और ये 2 × 16 8 बार जाएगा, 4 × 4 = 8 और 4 × 25 बार चला जाएगा, तो 25 × 75 तो 75/2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 3 = 6 और 2 × 7 = 14, पॉइंट लगाए 2 × 5 = 10, तो 37.5% आंसर हो जाएगा हमारा। तो हमारा नेक्स्ट टाइप है प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित। तो हमारा प्रश्न है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रतिशत हुई, कितनी प्रभावित हुई है? तो उसने बोला है कि 20% की कमी हुई है, तो बिक्री में जो वृद्धि हुई है वो हुई है 80% की, तो इसका फॉर्मूला है R1 + R2 + R1 × R2/100। तो इसने बोला है कि पहले क्या है 20% की कमी, तो -20। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर वृद्धि हो रही तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे और कमी हो रही तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो अब इसने बोला कि 80% की वृद्धि हुई है तो +80, अब यहाँ पे क्या है +−, तो +−, हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और 20 × 80/100, अब 0 से ये 0 कैंसिल और 0 से ये 0 कैंसिल, तो -20 प्लस में 80 और माइनस में 8 × 16, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 80 - 36 हो जाएगा, तो 80 में से जाएगा 10 में 6 गया 4 और यहाँ 7 में से 3 गया 4, तो 44%, ये प्लस में आया तो 44% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है टोटल। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई, क्या किया गया है? 25% की वृद्धि की गई है, और उसके टिकटों की कमी में भी 12% की वृद्धि की गई है, इसमें भी 12% की क्या की गई है, वृद्धि की गई है, तो तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, R1 + R2 + R1 × R2/100, तो वृद्धि हुई है इसमें तो प्लस का चिन्ह ही आएगा, तो 25 + 12, तो +25 × 12/100, तो 25 से 4 बार जाएगा और 4 से ये 3 बार जाएगा, तो अब इसको ऐड कर देंगे, 12 और 3 = 15, 15 और 5 = 20 और 20 = 40, तो क्या होगा, टोटल 40% की वृद्धि हुई है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो इसमें 25% की वृद्धि कर दी गई है और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए,
और दूसरी संख्या में जो प्राप्त हुई हमें संख्या उसमें 25% की कमी कर दी गई है, तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो हमें बताना है कि वृद्धि होगी या कमी होगी। तो फॉर्मूला आपका वही रहेगा, आर वन प्लस माइनस आर टू प्लस माइनस आर वन इंटू आर टू अपॉन 100। तो इसमें 25% की वृद्धि हुई है पहले, तो ये प्लस में आ जाएगा 25, फिर कमी हुई है तो ये माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पे एक बार वृद्धि है एक बार कमी है तो ये माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो 25 × 25/100 25 से जाएगा 4 बार। अब 25 में से 25 गया, ये तो 0 बच गया ये इस दोनों से, तो और 0 में से ये गया तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 25/4। तो हमारे पास क्या आएगी, कमी आएगी माइनस 6 से ही 1/4% ही क्या हो जाएगी, क्योंकि माइनस में आया तो ये कमी आ जाएगी। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत है। अब आप ध्यान देना कि अगर कोई व्यापारी है वो खरीद रहा है कोई सामान और 10% का घोटाला कर रहा है, तो मतलब उसको 10% की वृद्धि हो रही है, और उसने बेचते टाइम पे भी क्या किया, 10% का घोटाला कर दिया, तो उस टाइम पे भी उसको 10% की वृद्धि हुई है। तो फॉर्मूला वही रहेगा, आर वन प्लस माइनस आर टू प्लस माइनस आर वन इंटू आर टू अपॉन 100। तो वृद्धि हुई है यहाँ पे भी, तो 10 + 10 + 10 × 10/100, तो इससे कैंसिल, 10 और 10 यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 10 और 10 = 20 और 1 = 21, तो उसको टोटल 21% की वृद्धि हुई है। ये प्लस में आया तो ये वृद्धि होगी, माइनस में आ रहा है तो कमी होती है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, क्या हुआ है, 10% बढ़ाया गया है और फिर 10% घटाया गया है, तो फिर -10% कर दिया गया है, तो वेतन में परिवर्तन होगा। तो फॉर्मूला आपको ही पता ही है कि आर वन प्लस माइनस आर टू प्लस माइनस आर वन इंटू आर टू अपॉन 100। तो 10% वृद्धि हुई है तो 10 प्लस में आ जाएगा, और फिर कम घटा दिया गया है तो -10 हो गया, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो 10 × 10/100, तो ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 1 आ गया, तो ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो 10 और 1 = 11 हो जाएगा, तो 10 - 11, तो इसमें माइनस का 1 आ जाएगा, तो 1% की क्या होगी, कमी आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास माइनस में आया तो इसलिए 1% की कमी हो जाएगी। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, ठीक है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो 20% की वृद्धि की जाती है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या है। अब पहले हम इसमें देख लेंगे कि कितना परसेंट में कितना कम हो रहा है, तो फॉर्मूला आपका वही रहेगा, आर वन प्लस माइनस आर टू प्लस माइनस आर वन इंटू आर टू अपॉन 100। तो -20, फिर 20% की वृद्धि हुई है तो प्लस में 20, तो एक बार कमी हुई है एक बार वृद्धि है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 20 × 20/100, इस 0 से 1 0 कैंसिल, इस 0 से 1 0 कैंसिल, तो 2 × 2 = 4, तो -4 और -20, तो -24 और +20, तो ये हुआ है यहाँ पे -4%। अब उन्होंने बोला है जो परिणामी संख्या है वो मूल संख्या से 20 कम है, तो ये 4% है, ये 20 के बराबर है, तो 4 × 20, तो 1% हमारा आ गया 5, और कोई भी संख्या हमेशा 100% होती है, तो 100% बराबर आ जाएगा हमारा 500, जो हमारी मूल संख्या थी वो थी 500। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, तो इसमें 20% की वृद्धि की गई है और फिर 20% घटाया जाता है, तो फिर 20% इसको घटा दिया गया है, तो अंतर संख्या होती है, तो फॉर्मूला आपको पता है, आर वन प्लस माइनस आर टू प्लस माइनस आर वन इंटू आर टू अपॉन 100। तो पहले 20% की वृद्धि की गई है तो प्लस में 20 आ जाएगा, फिर कमी की गई है तो माइनस का 20 आ जाएगा, एक बार वृद्धि हुई है एक बार कमी हुई है तो माइनस आ जाएगा, तो 20 × 20/100, तो इस 0 से 1 0 कैंसिल, इस 0 से 1, तो 2 × 2 = 4, -4 और -20, तो -24 हो जाएगा, और -24 में से हम +20 हटाएंगे तो -4,
तो माइनस के 4% की क्या होगी, कमी होगी। याद रखना आप अगर माइनस में आ रहा है तो ये कमी होगी, प्लस में आ रहा है तो वृद्धि होगी, तो माइनस में आया इसलिए कमी होगी। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया। 25% क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया है। फिर उसके वेतन को जो कम किया था उसमें 25% बढ़ा दिया गया है, तो आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन है। फॉर्मूला वही रहेगा आपका, R1 प्लस माइनस R2 प्लस माइनस R1 इंटू R2 अपॉन 100। तो माइनस में 25 कमी हुई है पहले, फिर वृद्धि की थी, प्लस का 25, एक बार कमी और एक बार वृद्धि की गई है, तो माइनस 25 इंटू 25 अपॉन 100। तो ये माइनस में 25 है और ये प्लस में 25 है, तो जीरो हो गया। तो अब माइनस में क्या बचा हमारा, 25 इंटू 25, तो 625 अपॉन 100। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, आ जाएगा माइनस में 6.25%। तो ये माइनस में आया है, माइनस में आ रहा है, तो ध्यान रखना कि कमी हुई है। अब उसके टोटल वेतन में 6.25 की कमी हुई है। तुम्हारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई है। तो वृद्धि की गई है मतलब प्लस 25% हुआ है। तो एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई है। तो जो टिकट का मूल्य है उसमें 10% की वृद्धि की गई है, तो कुल आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। फॉर्मूला आपका वही रहेगा, R1 प्लस माइनस R2 प्लस माइनस R1 इंटू R2 अपॉन 100। अब देखो इसमें 25% की वृद्धि हुई है, तो ये प्लस में आ जाएगा 25। इसमें भी 10% की वृद्धि हुई है, तो प्लस 10। दोनों में वृद्धि वृद्धि है, तो यहाँ पे प्लस का ही चिन्ह आएगा। तो 25 और R2 हमारा 10 है, और बटे 100, ए जीरो से ए जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो 25 और 10 35 प्लस, ये हो जाएगा 10 से डिवाइड करेंगे 2.5, तो हमारा आ जाएगा 37.5। ये प्लस में आया है, तो 37.5% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, ये सभी SSC रेलवे सबके रिपीटेड क्वेश्चन है। आप देख लेना, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि बार बार रिपीट क्वेश्चन है, और आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। और आपको समझ आया है या नहीं आया आप हमें कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।